नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न प्रक्षेपण विधियों में। इससे पहले हमने दो विधियां पढ़ी, हरमन रोड्सा की एशियाई दबाव परीक्षण विधि और विश्व आत्मबोधन परीक्षण विधि, जिसका निर्माण है जो मॉर्गन व मुरे द्वारा 1935 में किया गया। आज हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी विधि व्यक्तित्व मापन की, जिसका नाम है बाल संप्रदाय। बाल संप्रदाय परीक्षण या बालक अंतर्बोध परीक्षण। जिसको CAT कहा गया। इस विधि का निर्माण लियोपोल्ड बेलक या बेलॉक द्वारा, विधि का निर्माण लियोपोल्ड बेलॉक द्वारा कब किया गया, तो 1948 ईस्वी में। इस विधि का विकास किसने किया, तो इस विधि का विकास है जो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस द्वारा किया गया। तो बाल संप्रदाय परीक्षण या बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा, तो लियोपोल्ड बेलॉक द्वारा 1948 में किया गया, और इस विधि का विकास है जो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस द्वारा किया गया। अब अपन देखेंगे कि ये विधि है जो, इसमें कितने चित्र थे, क्या था, तो चित्रों की संख्या, चित्र थे 10। किससे संबंधित थे, तो चित्र थे वो जानवरों के थे, जानवरों के चित्र थे। चित्रों की संख्या इस विधि में 10 थी, और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था। तो 10 चित्र होते थे जो जानवरों से संबंधित चित्र थे, और बालों को ये चित्र दिखा करके उसे कहानी लिखने के लिए कहा जाता था। ये परीक्षण कैसा था, तो ये परीक्षण व्यक्तिगत था या सामूहिक, तो व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों था, दोनों में प्रयोग किया जाता था या किया जाता है। तो ये जो परीक्षण था बाल संप्रदाय परीक्षण, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में प्रयोग किया जाता था या जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अधिक अर्थात विशेष उपयोगी था, तो ये परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों हेतु विशेष उपयोगी था। कितने वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए यह अधिक उपयोगी था, तो 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए विशेष उपयोगी था। अब इसके बाद दूसरी विधि आज की, जिसका नाम है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, इसका विकास किसने किया, जैसा नाम से स्पष्ट है वाक्य पूर्ति गणना, यानी कोई भी अपन काम करते हैं, ठेका लेते हैं, तो ठेके में भी एक टेंडर लगाया जाता है, तो इसका वाक्य पूर्ति का भी एक टेंडर होता है। तो विकास है जो पाइन व टेंडलर द्वारा किया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण पाइन व टेंडलर द्वारा 1930 में किया गया
किस ईस्वी में किया गया? और इस दिशा के अंदर, इस परीक्षण की इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर द्वारा किया गया। सबसे सराहनीय कार्य किसने किया? तो रोटर्स नामक व्यक्ति था, इसने इस परीक्षण में सबसे सराहनीय कार्य किया। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसके अंदर इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है, इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है। अब इसके बाद भी कई विधियां थी। अब इसके बाद तीसरी अपनी विधि है, जिसका नाम है खेल या ड्रामा विधि। खेल एवं ड्रामा विधि, खेल एवं ड्रामा विधि, इस विधि का निर्माण किसने किया? तो इसके निर्माता थे, इसके निर्माता जय एल मोरेनो, इसके निर्माता थे जय एल मोरेनो। इन्होंने खेल एवं ड्रामा विधि का निर्माण किया। इस विधि के अंदर व्यक्ति है जो खेल एवं ड्रामा, यानी व्यक्ति इस विधि में व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। तो उसे पूरी छूट होती थी इस परीक्षण में और वो अपनी भावना का प्रदर्शन करता था। अब इसके अलावा भी कुछ विधियां थी जिनके नाम अन्य विधियां प्रक्षेपण विधियां। निरीक्षण या अवलोकन, निरीक्षण या अवलोकन विधि नंबर दो, स्वतंत्र संपर्क विधि नंबर तीन, समाजमिति विधि नंबर चार, मनोविश्लेषण विधि और पांच, शारीरिक परीक्षण विधि। तो दोस्तों, ये थी व्यक्तित्व मापन के विभिन्न परीक्षण विधियों के बारे में।